तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रंगोली। अरे बच्चों, हैप्पी दिवाली। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अभी शाहरुख खान जी जेठालाल के साथ किसी भी वक्त आते होंगे। शाहरुख खान जी आने वाले हैं बावरी जी। इस बार हम लोग शाहरुख सर के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। My God! दिवाली। हाँ, उनका जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे हम लोग। ये भगवान, ये शाहरुख खान के इंतजार में इतने खुश हो रहे हैं, डुप्लीकेट को देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। सब लोग तो एकदम सज धज के शाहरुख भाई के इंतजार में खड़े। भगवान लाज रखना, किसी को भी पता मत चलने देना कि डुप्लीकेट शाहरुख भाई आ रहे। प्लीज। अरे जेठालाल, तुम अकेले? शाहरुख खान जी कहाँ है? हाँ सेठ जी, शाहरुख खान कहाँ है? आ रहा है थोड़ी देर में। अरे बागरा बावरी, तुम लोग यहाँ? सेठ जी आप गुस्सा मत करना, वो क्या है, मेरी और बावरी जी की पहली दिवाली है और हमने सोचा हमारी पहली दिवाली हम गोकुलधाम सोसाइटी में आप सब लोग के साथ मनाए। बराबर, अच्छा किया आपने, आए तो अच्छा किया। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अब तो ठीक है जेठालाल, लेकिन किंग खान आ रहा है ना, अरे उनके लिए मैंने अपना टूर कैंसिल कर दिया है। कहाँ है वो? जेठिया, तो कुछ छुपा रहा है? हाँ। है? मेरा उत्साह छुपा रहा हूँ। आ रहे शाहरुख खान भाई, बस आ ही रहे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? तुमने तो कहा था तुम्हारे साथ आने वाले हैं। अरे भाई, वो हमारी तरह फ्री थोड़ी बैठे हैं, उनका एक एक सेकंड कीमती है। वो उनका नया पिक्चर आ रहा है ना, वो हैप्पी न्यू ईयर, तो उसकी पब्लिसिटी में वो जगह जगह घूम रहे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जेठालाल तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे जाके तुम सब तैयारी करो, मैं 9 बजे तक पहुँचता हूँ। तो अभी आप लोग तो उनको मिलने के लिए एकदम चकाचक तैयार होके खड़े हैं, तो मैं भी जरा अच्छे कपड़े पहन के आता हूँ। दया ये क्या किया, इतनी जल्दी क्यों आ गए तुम? What? अरे मैंने बोला था ना मैं फोन करूं, बाद में ही आना। और ये इतनी बड़ी गाड़ी लाने को मना किया था ना मैंने, इसका खर्चा कौन देगा, मैं पैसे काट लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता किससे बात कर रहे हो तुम? फोन भी तुमने बदतमीजी से बात की थी मुझसे, और मैं यहाँ पे तुम्हारे कहने पर नहीं आया हूँ, गए भाभी ने बुलाया इसलिए यहाँ पर आया हूँ। शाहरुख, क्वाइट प्लीज, हटो हटो, मुझे वहां जाना दो प्लीज, मूव आउट ऑफ द वे। तो असली शाहरुख खान आ गए इधर।
असली शाहरुख खान। हाय इंडिया वाले। क्या हो गया मेहता साहब, मेरी तो कुंडली ही खराब है। तो अब क्या हो गया? अरे ये तो असली वाला शाहरुख भाई आ गए। तो जेठालाल इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि वो डुप्लीकेट शाहरुख खान आ गया तो इनके सामने मेरी तो नाक कट जाएगी ना। तो तुम जाके बोल दो कि तुम डुप्लीकेट जेठालाल हो। अच्छा, तुम क्या चाहते हो कि मैं जाके बोलूं कि शाहरुख भाई डुप्लीकेट शाहरुख खान आ रहा है, इसलिए अब आपकी जरूरत नहीं है, आप निकलो। आप निकलो, सोसाइटी छोड़ के आप निकलो, जाओ निकलो यहाँ से। क्या जेठालाल क्या बोल रहे हो? भाई मैं आपसे हल मांग रहा हूँ और आप है कि आप मेरी मुश्किलें बढ़ाए जा रहे हैं। जेठालाल सब लोग क्या चाहते थे कि असली शाहरुख खान आ जाए, तो वो आ गया। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने डुप्लीकेट शाहरुख खान को कितने बजे आने के लिए बोला? 9 बजे, लेकिन मैंने उसको ये भी बोला था कि मैं फोन करूँ बाद में ही निकलना। अरे तो जेठालाल इस प्रॉब्लम का हल मिल गया, तुम उसे फोन करो ही मत, तो आएगा ही नहीं। शाहरुख भाई गोकुलधाम वालों, एक सुनिए सुनिए सुनिए, शाहरुख सर कुछ कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, स्पेशल स्पेशल सरप्राइज। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं शाहरुख खान साहब आप, इनको कोई परिचय की आवश्यकता है? सारी दुनिया जानती है इन्हें। हाँ नमस्ते नमस्ते, आप सबका स्वागत है। पर शाहरुख इन सबको इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। मैं कराता हूँ तुमको। एक मिनट, मुझे सब याद है।
मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैं सबको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे बाबा बाबा, मैं मिलाऊंगा आप लोग, प्लीज रिलैक्स करो। ये क्या, ये सब एक साथ बोलेंगे ना सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। पहले इनकी है ये है टप्पू सेना। मैं आपसे पिछली बार नहीं मिला। मैं बावरी। हाय बावरी, नाइस टू मीट, दिस इज बावरी। और तुम हो बाघा। हाँ, बाघा। और ये है डॉक्टर हाथी और उनकी वाइफ कोमल जी। नमस्ते, मैं डॉक्टर हंसराज हाथी। हाथी भैया थोड़े पतले हो गए। सुना कोमल, अभी मेरी डाइट थोड़ी और बढ़ेगी। कमजोर हो गए दोनों के दोनों आप। बिल्कुल, अरे मजाक कर रहे, तो मैं भी कर रहा हूँ। और ये है हमारे अय्यर साहब चेन्नई। हाँ सर, मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, आई एम अ साइंटिस्ट। और ये है बबीता जी, राइट। और ये सबकी लाडली, सबसे प्यारी दया भाभी। नमस्ते। नमस्ते। और ये सबकी लाडली दया का मैं लाडला पति जेठालाल गड़ा। ये कोई नहीं है बमन भाई। अभी है ये आत्माराम टुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी। हाँ हाँ, जानते हैं। और ये है उनकी सुंदर सी बीवी जो पापड़ और पिकल बनाती है। माधवी, माधवी भाभी जी। इनको कैसे पता? शायद ये पापड़ बहुत खाते होंगे। शिंदी या दीपिका जी? मैंने बता। नमस्ते, हाय। यांच्याकडे पण डिलीवरी दी तू? और उनके साथ है एटीएम यानी अंजलि। हाय अंजलि, तारक मेहता। और ये है तारक भाई जी। जी, मैं तारक मेहता हूँ, मैं एक लेखक हूँ और मैं आपकी फिल्म के लिए बहुत कुछ अच्छा लिखने वाला हूँ। हाँ प्लीज कीजिए, हमारी फिल्म कहानी बहुत खराब होती जा रही है। लेकिन अरे ये है रोशन एंड रोशन। रोशन सिंह सड़ी, रोशन कर सड़ी। हेलो, सत श्री अकाल सड़ी भाजी। और सत श्री अकाल सोनू भरा। और बढ़िया फसला टकाटक टकाटक, मोजे ही मोजा, बल्ले बल्ले बल्ले। अरे मजा आ गया जी। हाय बमन, तमे केम छो? एकदम फाइन डार्लिंग, तू केम छे रोशन? आई एम फाइन थैंक यू। सुपर, तुम्हारी सु कॉम्बिनेशन छे, पारसी ने सरदार, मतलब बच्चे तो निराले निकलेंगे बहुत। और एकदम बच्चा निराला ही अपना गोगी बुत्तर। सर में कमल का यूं ससरे काल। तुम्हारा हो गया? ओके नेक्स्ट। ये है अब्दुल भाई, सलाम अलैकुम अब्दुल भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये है चंपक, नमस्कार चंपक चाचा। नमस्ते नमस्ते। और इनके साथ है वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जी। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार। शादी हुई आपकी? नहीं, कहाँ। आपने पिछली बार कहा था ना कि आप कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ। आई मैम, आपके जितनी सुलझी भी अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, मगर मैं आऊंगा, वापस आऊंगा अगली बार तो लेकर आऊंगा 100%। लेके आएंगे, लेके आएंगे। हो गया इनका, हो गया अभी मेरा। उसके आगे मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है पोपटलाल जी के आगे। अरे शाहरुख भाई, ये क्या आसरा है छोटी, मेरा नाम नहीं ले रहा है। शाहरुख भाई ऐसा क्या कर, बमन भाई। अरे बबीता भाभी, मैंने हाथ तो मिला ही नहीं है आपसे, कैसी हैं आप? संभालो संभालो भाई, संभालो इनको। अरे शाहरुख भाई की याददाश्त तो जबरदस्त है। नहीं शाहरुख भाई, देखिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ और आप मेरे बारे में बात नहीं कीजिए, बिल्कुल प्लीज एक्सक्यूज मी। सर, आपकी पिक्चर है ना चेन्नई एक्सप्रेस, उसका वो गाना लंगे डांस लंगे डांस लंगे डांस, मेरे को बहुत पसंद था। अक्सर मैं घर में करता भी रहता हूँ ना। सर मैं आपका और रजनीकांत सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्चुअली थैंक यू, जितने बड़े आप फैन हैं उससे बड़ा फैन मैं हूँ रजनी सर का। हम दोनों एक्चुअली हम सब हैं। यस एब्सोल्युटली सर, यस। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं नम्रता। हाँ, इतने बड़े आदमी होकर भी कितनी सादगी है, कितने जमीन पे इनके पाँव। और तुम्हें ये समझ नहीं आया कि बड़े आदमी से बात कैसे करें? मैंने फोन किया टीवी के लिए, कितनी बदतमीजी से तुमने बात की, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एनीमोर। ये क्यों नहीं पहचान रहे जेठा भाई को? बमन भाई, मुझे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार, तुम बाद में बात करो मुझसे। अरे मेहता जी, आपकी राइटिंग कैसे चल रही है? अरे बहुत बढ़िया शाहरुख साहब, लेखन तो जीवन है, इसके बिना तो दिन रात कुछ संभव ही नहीं है। और वैसे मैं एक बात बताऊं, आप लोगों की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैंने एक जरा सी तुकबंदी की, अगर आप इजाजत दें तो सुनाऊं? सुनाइए ना प्लीज, सुनाइए। सुनाऊं जरा? हाँ, अच्छा लिखते हैं मेहता साहब। हाँ तो इरशाद, इरशाद कहिए एक बार। इरशाद, तो कहा यूं है कि चर्चा चल रही है यही घर घर, शाहरुख साहब की नई फिल्म आ रही है हैप्पी न्यू ईयर। चर्चा चल रही है यही घर घर कि शाहरुख साहब की नई फिल्म आ रही है हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें शाहरुख साहब के साथ हैं दीपिका, अभिषेक, विवान, सोनू सूद और बमन।
और फिल्म देखने के लिए बचल रहा है हम सबका मन, और फिल्म में ये इंडिया वाले आएंगे और सारे इंडिया को थिरकाएंगे, और ये हम फिल्म एक बार देखने नहीं जाएंगे, बल्कि बार बार देखने जाएंगे। ये हुई ना बात। दिल खुश कर दिया शाहरुख भाई का आपने, नहीं शाहरुख भाई? वाह अमिता साहब, वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखा दीपिका, मैंने तुमसे कहा था ना। या, सभी दिल के राजा हैं सिवाय ये जेठालाल को छोड़कर। मैं बताऊं आप लोगों को, मैंने इनकी दुकान पे किसी काम के लिए फोन किया और इन्होंने मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दी, और यही नहीं, जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो कहने लगे तुम बड़ी गाड़ी में क्यों आए हो, इतनी जल्दी क्यों पहुंच गए, फोन करके क्यों नहीं आए। मैं बताना चाहता हूँ जेठालाल जी, मैं आपके लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि दया भाभी ने मुझको यहाँ पर बुलाया। तुम्हारे बुलाने पे नहीं आए शाहरुख जी, तुमने बोला ना कि मैं लेके आ रहा हूँ शाहरुख जी। हाँ जेठा भरा, तुझे कह रहे थे कि यार तुम्हारे बुलाने शाहरुख भरा आए ना। जेठा भाई ऐसा कैसे करते हो? पूछिए, नहीं नहीं पूछिए, आप इनसे पूछिए। जेठा ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई मेरे बुलाने पे आए या दया के बुलाने पे आए? बात तो एक ही है ना, हम पति पत्नी है तो हम दोनों तो एक ही है ना, वो सब ठीक है भाई। अभी आ गए शाहरुख भाई, देखिए प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। बमन भाई जरा समझाइए ना प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारा शाहरुख नो कचरो की दो छे तमे। अजानता थई गयो, जाने जो ना थोड़ो कहरो छे बमन भाई। दया भाभी केम छो तमे? मजामा। हां बेटर। मजामा। दीपिका जी आप इस ड्रेस में बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे शाहरुख भाई को भी देखो क्या बढ़िया ड्रेस पहना है, एकदम हैंडसम लग रहे हैं। पूरी कायनात में शाहरुख भाई जैसे हैंडसम कोई है ही नहीं। क्या स्टाइल है, स्टाइल भाई, वाह शाहरुख भाई, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया ड्रेस पहना है आपने। मैंने ड्रेस नहीं सूट पहना हुआ है बाय द वे। जो भी है बहुत बहुत बढ़िया है, माफ कर दीजिए ना प्लीज। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। ये तो आपने और मैंने सुन रखा है, लेकिन रूठे स्टार को मनाना और भी मुश्किल काम है। ये मेरे परम मित्र जेठालाल इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान साहब गोकुलधाम सोसाइटी में आ तो गए हैं लेकिन वो अभी तक जेठालाल से बात नहीं कर रहे हैं, और जेठालाल इस वक्त यही सोच रहे हैं, रूठे रूठे शाहरुख मनाऊं कैसे, रूठे रूठे शाहरुख मनाऊं कैसे, अब तक ना ये बोले मुझसे मैं समझाऊं कैसे, रूठे रूठे शाहरुख। अब देखना ये होगा कि उन्हें मनाने के लिए क्या क्या करते हैं, और मनाने के लिए जितनी जितनी कोशिशें करेंगे आपके घर में उतनी उतनी ही हंसी होगी, लेकिन अभी यहाँ बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो हैप्पी न्यू ईयर की पूरी टीम के साथ यहाँ पे धमाल मस्ती और डांस का जो संगम होगा तो आप कहेंगे भाई वाह मजा आ गया। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर रूठे हुए शाहरुख खान कैसे मानेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।